सभी दर्शकों को नमस्कार। हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। आज किसान आंदोलन में समर्थन देने पहुंचे दीपेंद्र सिंह हुड्डा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जमकर केंद्र सरकार को कोसा और कहा कि किसानों का शोषण कर रही है केंद्र सरकार। 19 तारीख का और इंतजार है, किसानों की बात मानती है या नहीं मानती केंद्र सरकार। उसके बाद 26 जनवरी को बहुत बड़ी तादाद में किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे, कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता। और कही काफ़ी बड़ी बातें, देखिए क्या कुछ कहा, देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज टुडे। उनकी बातचीत के बाद भी अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के वही बात रुकी हुई है, तो ऐसा दिखाई देता है कि सरकार इसको लेकर सरकार बातचीत नहीं कर रही, ऐसा दिखाई देता है। बातचीत नहीं, केवल बातचीत का ड्रामा कर रही है। सरकार से विनम्रता से हाथ जोड़ के हम आग्रह करते हैं कि अब देश के किसान जैसे विलम्ब हो रहा है, देश के किसान की भावना जुड़ रही है इससे। पहले हथेली धर्म क्षेत्र प्रदेश भाषा जाति हर बात से ऊपर उठ के सारी बंधनों को तोड़ते हुए देश का किसान एकजुटता से एक मांग रख रहा है, सरकार से गुहार कर रहा है। अपनी प्रजा की बात माने सरकार, अपने किसान की बात माने। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई शासक कोई सरकार छोटी नहीं होती। बार बार आग्रह करते हैं कि अगली बैठक से पहले कोई ना कोई समाधान। 140 करोड़ लोगों की आपका प्रश्न हो तो जिस देश में नागरिक के रूप में एक किसान होने के नाते और एक राजनीतिक दल होने के नाते हम यहाँ समर्थन देने आए हैं, तो सारा देश ने सोचा और तो किसानों की मांगे हैं। मैं मानता हूँ किसान की अपने कुछ मांगे मंगवाना चाह रहे हैं। प्रदेश के एकमात्र सांसद के रूप में देश को समझ में आ गया, क्योंकि प्रदेश में हमारे 15 सांसद हैं, हरियाणा प्रदेश में 14 भाजपा के साथ लोगों की लड़ रही। एकमात्र सांसद के रूप में मैं ये मांग करता हूँ सरकार से कि तुरंत संसद है, सब कुछ है। पे ताला जो लगा हुआ है वो खोला जाए, संसद का सत्र आपात बुलाया जाए और ये तीनों बिलों को वापस लेकर